आगे चलते हैं। ठीक है जी, अब हमारे साथ मोहम्मद आकिब मौजूद हैं जनाब, और इनका आईडी कोड है 03, लाहौर से ये हमारे साथ होंगे। इनको हम सुनते हैं, पहले इनका पैकेज देखते हैं और फिर इनकी आवाज़। और लाहौर से हैं, हमारी खास मोहब्बत है इनसे। बनो समा की आवाज के हमारे आज के कंटेस्टेंट हैं मोहम्मद आकिब नक्शबंदी, जो ताल्लुक रखते हैं लाहौर से। आकिब समा के बेहद मशहूर हैं कि उन्हें मौका मिला बनो समा की आवाज का हिस्सा बनने का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आकिब नक्शबंदी है। मैं बहुत मशहूर हूं समा का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। मेरी पूरे पाकिस्तान से अपील है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा वोट करें ताकि मैं बन सकूं समा की आवाज। सिर्फ आकिब ही नहीं बल्कि उनके वालदैन भी बहुत खुश हैं और पुरुमीद हैं कि आकिब इस मुकाबले में बहुत आगे तक अपनी जगह बना पाएंगे और वही बनेंगे बनो समा की आवाज। आप सबसे अपील है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा वोट करें ताकि ये बने समा की आवाज और पूरे पाकिस्तान की आवाज। मोहम्मद आकिब नक्शबंदी के लिए मैं आपसे पूरे पाकिस्तान से अपील करूंगा कि इसे ज्यादा से ज्यादा वोट करें ताकि ये बन सके समा की आवाज और पूरे पाकिस्तान की आवाज। अब देखना यह है कि आकिब की आज की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। आकिब की आईडी है 03। कुए नबी से आ न सके हम, राहत ही कुछ ऐसी थी। कुए नबी से आ न सके हम, राहत ही कुछ ऐसी थी। याद रही ना जन्नत हमको, याद रही ना जन्नत हमको, जन्नत ही कुछ ऐसी थी। याद रही ना जन्नत हमको, जन्नत ही कुछ ऐसी थी। सके हम तकते रहे यूसुफ जैसे भी हश्र में उनके हश्र में उनके चेहरे को, चेहरे को जब पूछा तो कहने लगे वो, जब पूछा तो कहने लगे वो सूरत ही
कुछ ऐसी थी याद रही ना जन्नत हमको जन्नत ही कुछ ऐसी थी सुभान अल्लाह। आकिब आपने बहुत खूबसूरत पढ़ा और एक बड़ी खूबसूरत पहली दफ़ा शायद मैंने आप इस बात पे देखिएगा बड़ी अकलमंदा बात जो इसने की बड़ी इंटेलिजेंट मूव इसने जो की कि जब पैकेज चलता है तो उसमें हर कंटेस्टेंट जो है वो कोई नात पढ़ रहा होता है वो जहाँ पे पैकेज खत्म होता है वो उसकी मजबूरी तकरीबन बन जाता है कि वो उस सुर को वहीं से उठाए वो जब नहीं उठता तो वो खुद भी थोड़ा सा सुर में अपने आप को एडजस्ट करता है। आकिब ने वहीं पर उठाई बात जहाँ पे कि उसने जो पैकेज में पढ़ी थी हालांकि हल्की सी जगह पर ये जगह इसने छोड़ी भी लेकिन इसने बड़े इंटेलिजेंटली अपनी सारी बात को समझाया। आकिब आपसे दरखास्त है कि जब आप इंशाल्लाह कराची आएं तो आपके वाले साहब ने और आपने जितनी रंगीन टोपियां पहनी हुई है ये सबके लिए लेकर आइएगा। ठीक ठीक आकिब के लिए प्लीज मैं आप लोग वोट कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं पहले बताती आई हूँ BSKA स्पेस दीजिए उसके पास आईडी नंबर है इनका 03 मोहम्मद आकिब लिखिए सेंड कर दीजिए 8126 पे जितने सारे वोट्स होंगे आपके आके उतने जल्दी कराची पहुंचेंगे आपके। मैं आपसे सबसे सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहूँगी अगले कंटेस्टेंट्स की तरफ जाने से पहले कि सिलेक्शन ऑफ कलाम जो है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है इस सिचुएशन में जब आप किसी कंपटीशन में आगे बढ़ रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट सिलेक्शन ही होती है और अगर सिलेक्शन में अगर आप कमज़ोर हो गए तो इसका मतलब ये कि आप मुकाबले से बाहर हो गए कलाम की जो इनका इंतखाब आप करें वो बहुत इन्होंने बड़ा रचाव वाला जो एक माहौल है उसमें कलाम का इंतखाब किया इंतखाब जरूर और निभाया भी उसको बेहतरीन तरीके से बड़ा अच्छा।